सो गाइज वेलकम बैक टू आवर संडे फंडे व्लॉग। और फाइनली जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, पल्सर 125 सीसी का कंप्लीट रिव्यू आज फाइनली हम वो लेकर आ रहे हैं। और आज भाई फ्री थे तो हमने उनको बुलाया है और आज हम लोग इसका फाइनली रिव्यू करेंगे। इस वीडियो को हम लगभग 5-6 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे क्या इसकी राइड क्वालिटी है, क्या इसकी रोड प्रेजेंस है, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मन में रहते हैं कि क्या इसका माइलेज है, वही मेन क्वेश्चन रहता है सबके व्यूअर्स, क्योंकि ये 125 सीसी की बाइक है, ये बंदा मेनली सिटी ट्रैवल के लिए खरीदेगा। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में मेन फोकस इसकी राइड क्वालिटी और माइलेज पे रखेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी नोट पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पल्सर 125 सीसी की रोड प्रेजेंस के बारे में। रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो पल्सर हमेशा से ही अपने लुक्स के लिए जानी जाती है और यंगस्टर्स की सबसे पहली पसंद रहती है। यंगस्टर्स की क्या कहूँ, हर एज ग्रुप की सबसे पहली पसंद रहती है। और बजाज ने इस बार अपना गेम और अप कर दिया है और इस बार आपको पल्सर डुअल टोन से आपको दिख जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हैं ये पल्सर डुअल टोन से आपको दिख रहा है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग पीछे की साइड भी आपको दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो पल्सर यहाँ भी आपको डुअल टोन से, यहाँ भी और 125 लिखा भी, तो डिटेलिंग के मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मैं बता दूँ जो बाइक आपको दिख रही है टॉप एंड वेरियंट है इसका, स्प्लिट और डुअल टोन मैट फिनिश के साथ। और बात करें आगे की तो आगे भी आपको हल्की हल्की डिटेलिंग यहाँ पे भी दिख जाएगी ये नियॉन कलर से। तो इस मामले में काफ़ी अच्छा काम करा है बजाज ने और नीचे भी आपको ये हल्की हल्की डिटेलिंग्स यहाँ पे भी दिख जाएंगी। तो अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली रोड प्रेजेंस के मामले में जब भी आप ये बाइक निकालोगे एक बार तो बंदा पक्का आपको मुड़ के देखेगा कि कौन सी बाइक है, क्योंकि ये जो कलर है ना, ये जो डुअल टोन से लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग और आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता है। सो गाइस ये तो बात हो गई हमारी रोड प्रेजेंस के बारे में, और रोड प्रेजेंस के मामले में मैं बजाज को बहुत बड़ा थम्स अप देना चाहूँगा। तो गाइस अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। राइड क्वालिटी कैसी है, लगभग मैं 2100 किलोमीटर्स बाइक को चला चुका हूँ और मैंने सिटी में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है और हाईवेज़ वगैरह पे भी लेके गया हूँ। तो मैं आपको फुल बता सकता हूँ कि 2100 किलोमीटर में इसकी कैसी राइड क्वालिटी रही है, और इसकी पहली सर्विस भी हो चुकी है तो अब मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ बताने के लिए कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। अगर आप स्पीड से अगर गाड़ी किसी गड्ढे के ऊपर से निकाल के ले जाओगे तो आपको हल्की सी लगेगा कि हाँ थोड़ी सी स्टिफनेस आपके सस्पेंशन में है, बट अगर आप वहीं गाड़ी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लोगे तो आपको बहुत ही स्मूथली आपको सस्पेंशन लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से ग्लाइड होकर आपको किसी भी स्पीड ब्रेकर वगैरह से निकल जाती है। तो सस्पेंशन के मामले में बहुत अच्छा काम करा पल्सर ने। बस देखने वाली बात ये होगी कि ओवर द टाइम जब सस्पेंशन पुराने होते हैं तो कितना उसमें वेयर एंड टियर आता है। तो ये तो पहली बात होगी सस्पेंशन की। अब बात करते हैं कि पिकअप की बात करते हैं। गियर शिफ्टिंग की बात मैं इस तरह से करूँगा कि सेकेंड गियर और थर्ड गियर में जब ये बाइक होती है तो बहुत अच्छा पिकअप लेती है, पर जैसी ये फोर्थ गियर में जाके हम आपको फिफ्थ गियर में जाना होगा तो आपको एक लैग देखने को मिलता है, जिसमें आप कभी कभार ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर है, क्योंकि फोर्थ गियर में जाके जैसे आप फिफ्थ गियर में ओवरटेक करने की कोशिश करते हो तो वहाँ थोड़ा सा गाड़ी आपको बताती है कि हाँ आपने 125 सीसी की बाइक खरीदी है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि बाइक सिटी के लिए अच्छी है, बट अगर आप हाईवेज पर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट बाइकर हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स में गाड़ी को दौड़ाएँ तो उस मामले में आपको थोड़ा सा लगेगा अंडर डिलीवर अपने आप को कर रही है, क्योंकि ये लगभग 11.8 PS का पावर आउटपुट देती है। जब मैं इस बाइक को यहाँ पे इस लोकेशन पे लेकर आ रहा था तो इस लोकेशन पे आने के भी मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था, तो उसमें मुझे कंटिन्यूस ब्रेक लगाने पड़ रहे थे, और ब्रेक लगाते हुए मैं कहूँगा कि इसके ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाई स्पीड्स में ब्रेक लगाने में। तो इस मामले में डेफिनेटली ब्रेक्स में बहुत अच्छा थम्सअप देना चाहूँगा। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, और वो है इसके माइलेज के बारे में। ये बाइक फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और फर्स्ट सर्विस से पहले मैंने इसकी दो बार टंकी फुल करवाई, और फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने इसकी एक बार टंकी फुल करवा चुका हूँ, अभी भी इसकी टंकी फुल है। और माइलेज की मैं इतना बात बताऊँ तो ये लगभग सिटी मैंने दोनों सिटी हाईवे दोनों चलाए हैं और लगभग 55 से 52 का ये माइलेज अच्छे से निकाल दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि माइलेज के हिसाब से ये अपना बहुत अच्छा काम कर रही है और 125 सीसी में ये अच्छा माइलेज डिलीवर कर रही है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सिंपल है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, और अपना काम अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सब कुछ फुलफिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंजन किल ऑन एंड ऑफ का दिख जाता है, और यहाँ पे आपको फ्यूल दिख जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाती है। नीचे के साइड आपको किलोमीटर्स कितने गाड़ी चल चुकी है ओडोमीटर, और यहाँ पे ट्रिप ये दिख जाती है, और यहाँ पे आपका ये RPM का दिख जाता है। तो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
सिंपल सोबर है, ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट की, जो है इसके टायर्स। टायर्स की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे R17 के यूरो ग्रिप टायर्स देखने को मिलते हैं और टायर्स डिसेंट हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 95,000 की बाइक में इससे बेटर टायर्स बजाज दे सकती थी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं टायर्स के बारे में, कि क्या बजाज अच्छा काम कर सकती थी या टायर्स जो इसमें मिल रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं। सो गाइस ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस करा कि गाड़ी की क्या रोड प्रेजेंस है, गाड़ी का क्या माइलेज है, गाड़ी की क्या राइड क्वालिटी है और गाड़ी के टायर्स क्या हैं। सो गाइस फाइनली इस वीडियो को रैप अप करते हैं और हम कंक्लूजन पे आते हैं कि किसको ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहले बात करते हैं किसको ये बाइक लेनी चाहिए। तो ये बाइक उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके घर वाले बोलते हैं कि भाई तुम ज़्यादा सीसी की बाइक नहीं परचेज़ कर सकते, तो डेफिनेटली आप 125 सीसी की बाइक खरीद के 150 सीसी वाला मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अगर आपको माइलेज का ऐसा कोई इशू नहीं है, और तीसरा पॉइंट ये हो गया बजट का इशू नहीं है कि आप 95,000-1,00,000 रुपीज़ का बजट रखते हैं, तो डेफिनेटली आप 125 सीसी की बाइक परचेस कर सकते हैं, क्योंकि 125 सीसी में आपको इससे अच्छी दिखने वाली बाइक कहीं नहीं मिलेगी। ना तो होंडा सीवी शाइन इतनी अच्छी है, ना डिस्कवर इतनी दिखने में अच्छी है, और ना आपको स्प्लेंडर बस इतनी अच्छी दिखने में मिलेगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशी बाइक चाहिए येट कम सीसी में चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए 125 सीसी पल्सर मस्ट बाय हो जाती है। तीसरा चीज़, अगर आपको माइलेज का कोई इशू नहीं है कि आपको 60-65 का माइलेज निकाल के दे, वो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप बजाज पल्सर 125 सीसी की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं किसको ये बाइक परचेज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे मेन जो पॉइंट आएगा वो है बजट का इशू। अगर आपको बजट का इशू है, आपके पास 70-80,000 का बजट है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाइक जब इसका जो स्टार्ट वेरिएंट है वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दिखने में सिंपल लगता है। जब तक आप ये वाला डुअल टोन वाला कलर परचेस ना करें तब तक कोई मज़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिनको भी बजट का इशू होगा वो डेफिनेटली बाइक नहीं परचेज़ कर पाएंगे। सेकंड मैं बोलूँगा कि अगर आपका माइलेज का आपके दिमाग में रहता है कि आपको माइलेज बहुत अच्छा 60-65 का माइलेज निकाल के दे, तो डेफिनेटली आप उस केस में इस बाइक को नहीं परचेज़ करेंगे, क्योंकि हर बार तो आप गाड़ी को हाईवे पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मोस्टली गाड़ी को आप सिटी में ही चलाएंगे। ऐसी बाइक को जो हाईवेज वगैरह की बाइक होती है वो लगभग बंदा 180 सीसी या 200 सीसी की परचेज़ करता है, तो उस मामले में भी ये बाइक आपको माइलेज डिलीवर नहीं कर पाएगी। और तीसरी चीज़, जिन लोगों को बहुत सिंपल सुपर बाइक चाहिए होती है उनके लिए भी ये बाइक नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी तो दिखने में फ्लैशी लगती है ये, और थोड़ी सी एग्रेसिव लगती है अपने डिज़ाइन को देखते हुए। अगर जिन लोगों को बस सिंपल सुपर बाइक चाहिए तो उनके लिए डेफिनेटली बाइक नहीं है। सो काइंड ऑफ ये वीडियो को अब रैपअप करने का टाइम आ चुका है, इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। सो अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो इस बाइक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वही लास्ट नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।